अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपको वेलकम करता हूँ MGT 611 के लेक्चर नंबर 9 में। लेक्चर नंबर 9 का मेन टाइटल है लीगल कैपेसिटी एंड फ्री कॉन्सेंट। इस लेक्चर के अंदर जो हाइलाइटेड हैंडआउट्स मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये नोट्स की शेप में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ये आप किस तरीके से ले सकते हैं उसके लिए वीडियो को पूरा देखें, मैं आपको बता दूंगा कि आप किस तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट ये मुझसे ले सकते हैं। नंबर वन टॉपिक आज के लेक्चर का जो होगा वो होगा लीगल कैपेसिटी ऑफ पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट। सेकेंड टॉपिक हमारा होगा ऑर्डर इन ल्यूनेसी बाय कोर्ट। थर्ड टॉपिक हमारा होगा फ्री कॉन्सेंट और फोर्थ और लास्ट टॉपिक हमारा होगा कोएर्सन। तो गाइज, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मिड टर्म और फाइनल टर्म से रिलेटेड और क्वेश्चन रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं और उनके जो सोल्यूशन है वो आपको मिलते रहें। जी फ्रेंड, जैसा कि हमने स्लाइड में देखा था, हमारे जो लेक्चर का मेन टाइटल है लीगल कैपेसिटी एंड फ्री कॉन्सेंट। तो आइए इसको डिटेल में देखते हैं। वी हैव डिस्कस द फैक्टर दैट डिटरमाइन द क्वेश्चन ऑफ लीगल कैपेसिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज। द सेम आर रिप्रोड्यूस हियर अंडर फॉर रेफरेंस। हम पिछले लेक्चर के अंदर, लेक्चर नंबर 8 के अंदर डिस्कस कर चुके हैं कि कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो कि एक लीगल कैपेसिटी टू डिसाइड करती हैं दो पार्टीज के दरमियान जो कि कॉन्ट्रैक्ट कर रही होती हैं। वो जो सेम चीज़ें हैं उनको रेफरेंस के तौर पर यहाँ पर पेश किया जा रहा है, ताकि आपका जो है कॉन्टेक्स्ट पिछले लेक्चर से जो है वो दोबारा क्रिएट हो जाए। कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी शुड हैव अटेंड द एज ऑफ मेजोरिटी, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज जो हैं उनकी एज जो है वो मेजोरिटी होनी चाहिए। तो पिछले लेक्चर में हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि एज ऑफ मेजोरिटी कितनी होती है, जैसे पाकिस्तान के केस के अंदर 18 ईयर्स होती है। कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी शुड बी ऑफ साउंड माइंड, यानी कि साउंड माइंड से मुराद ये है कि एक बंदा जो अकल बूझ रखता हो, उसमें डिसीजन पावर हो, यानी कि वो चीज़ों को समझता हो और अपने हक में एक बेहतर फैसला कर सकता हो, कि वो पागल ना हो, दीवाना ना हो, इस तरीके की चीज़ें ना हो। कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी इज़ नॉट डिसक्वालीफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ, यानी कि जो पार्टीज आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई ना हो रही हो या कानून ने उन्हें करार दिया हो कि ये लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। जैसे कोई चोर हो, लुटेरा हो या किसी पे कोई केस चल रहा हो, तो ऐसे बंदे के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। इफेक्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट बाय अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, अगर क्या होगा अब जब आप एक ऐसे शख्स है जो कि पागल है उससे कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो ये कॉन्ट्रैक्ट सिंपली जो है वो वॉइड हो जाएगा और वो बंदा पागल है, उसका जो कॉन्ट्रैक्ट, उसके जो एविडेंस वगैरह है वो उस पार्टी को देना पड़ेगा जो केस करेगी, उनको प्रूफ प्रोवाइड करने पड़ेंगे कि ये जो बंदा है ये दिमागी तौर पर ठीक नहीं है। वट इज़ अ साउंड माइंड फॉर द पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, कि एक बंदे का साउंड माइंड क्या कहते हैं, कि हम कैसा होना चाहिए जब एक बंदा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हो, तो उसकी दिमागी हैसियत किस तरीके की होनी चाहिए या उसकी दिमागी सलाहियत कैसी होनी चाहिए। अ पर्सन हुई यूजली ऑफ अनसाउंड माइंड, एक बंदा जो कि आम तौर पर जो है वो हम उसको कहते हैं कि पागल है, बट ओकेशनली ऑफ साउंड माइंड, लेकिन वो ऐसे ही नहीं है कि वो हमेशा पागल रहता है। बाज़ औक़ात पे ऐसी चीज़ें उसके साथ हो जाती हैं जिसकी वजह से उसका दिमाग जो है वो काम नहीं करता। जैसे आप लोग कुछ देखते हैं कि कुछ लोग जैसे कि मिर्गी के मरीज होते हैं, तो उनको क्या होता है कि वक्ती तौर पर उनको दौरा पड़ता है, और जब उनको दौरा पड़ता है उस टाइम पर वो अनसाउंड माइंड के बन जाते हैं, लेकिन नॉर्मल सिचुएशन में जो है वो उनका दिमाग बिल्कुल ठीक होता है और वो सही काम कर रहे होते हैं। तो उस बंदे की यहाँ पर बात की जा रही है। मिसाल यहाँ पे दी गई है कि एक बंदा जिसको फीवर हो गया, यानी कि बुखार इतना ज़्यादा हो गया कि उसका दिमाग, सर पे बुखार चढ़ गया और उसको जो है उस टाइम कोई चीज़ समझ में आई नहीं आ रही है, तो उसने क्या करना है, तो उस हालत के अंदर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। या तो एक शख्स की हम मिसाल ले लेते हैं कि एक बंदा जो है वो उसने इतना ज़्यादा नशा कर लिया है कि वो इस हालत में नहीं है उसका दिमाग कि वो कोई कॉन्ट्रैक्ट कर सके या कोई अपनी रेशनल जजमेंट कर सके, या अगर कोई वो जजमेंट उस टाइम करेगा तो वो उसके इंटरेस्ट पे जो है वो असर करेगी, यानी कि वो रेशनल डिसीजन करने की पावर नहीं रख सकता। तो ऐसे बंदे के साथ जो है वो कॉन्टैक्ट उस वक्त तक नहीं किया जा सकता जब तक उसका नशा उतर ना जाए या उसकी तबीयत जो है वो ठीक ना हो जाए। टेस्ट ऑफ साउंडनेस ऑफ माइंड शैल बी डिटरमाइंड ऑन द फॉलोइंग पैरामीटर, यानी कि एक बंदे का दिमाग जो है वो ठीक काम कर रहा है उसको किस तरीके से कर सकते हैं, इसके लिए यहाँ पे दो पॉइंट दिए गए हैं। कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड द नेचर एंड टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि एक बंदा जो है जिसके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो दोनों पार्टीज के जो लोग हैं वो टर्म्स जो हैं, वो टर्म्स एंड कंडीशन जो हैं और क्या नेचर है कॉन्ट्रैक्ट की उसको समझ सके। Ability to form a rational judgment, जो एक अच्छा और एक समझदाराना डिसीजन कर सकें as to affect the contract of his interest, कि उसके इंटरेस्ट के अंदर, यानी कि अगर मैं और आप अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो मैं आपको बोलूँ कि आप मुझे 1 लाख रुपये दे दें और बदले में 6 महीने बाद आपको 50,000 रुपये दे दूंगा, तो आपको समझ में आएगा कि यार मैं 1 लाख रुपये दे रहा हूँ और 6 महीने के लिए दे रहा हूँ और ऊपर से मुझे वापसी 50,000 रुपये मिल रहे हैं, तो ये तो मेरे 50,000 का नुकसान हो रहा है। तो ऐसी चीज़ें जो आप समझ सकते हैं, तो जैसे आपने समझ लिया यहाँ पे कि आपका नुकसान हो रहा है, तो ये एक रेशनल जजमेंट कहलाती है। और ये सारी चीज़ें अगर आप इस तरीके से चीज़ों को समझ पा रहे हैं तो ये साउंडनेस ऑफ माइंड की निशानी है। ऑर्डर इन ल्यूनेसी बाय कोर्ट, कोर्ट ऑर्डर ऑन इंसैनिटी आर लीगली बाइंडिंग फ्रॉम बोथ द पीपल
होममेड एग्रीमेंट एंड दोज मेकिंग अ क्लेम, यानी कि जो कोर्ट का ऑर्डर है वो दोनों पे डिसाइड, दोनों पे इफेक्ट करता है, जैसे कि जो लोग उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो है वो हो रहे हैं या तो फिर वो आपस में क्लेम कर रहे हैं। एक मिसाल ले लेते हैं, अगर कोर्ट जो है वो किसी बंदे को मेंटली अनफिट कहता है कि ये बंदा जो है वो मेंटली ठीक नहीं है और अपने फाइनेंसिस जो है वो ये संभाल नहीं सकता, तो उसको जो है कोर्ट का डिसीजन फॉलो करना पड़ेगा, और अगर कोई और उसकी जगह पर जो है वो उसके पैसे जो है वो संभाल सकता है, जिसको कोर्ट जो है वो मुकर्रर करेगा या उसका गार्डियन है उसको असाइन करेगा, तो वो गार्डियन या केयर टेकर जो है वो उसके फाइनेंसिस को जो है देख सकता है जब तक वो उसका दिमाग जो है वो ठीक तरीके से काम नहीं करने लग जाता। एविडेंस इज प्रूफ, एविडेंस इन रिगार्ड टू अनसाउंडनेस शैल बी डिडक्टेड फ्रॉम द सर्कमस्टांसेस ऑफ इंसेनिटी ऑन केस टू केस बेसिस, यानी कि इसमें जो एक बंदा जो है उसका दिमाग सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, जो वो पागल है, तो इसके जो प्रूफ्स वगैरह हैं वो केस टू केस बेसिस पे डिपेंड हो सकते हैं। कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज नॉट डिस्क्वालीफाइड बाई कॉन्ट्रैक्टिंग बाई एनी लॉ, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं पार्टीज उनके खिलाफ कोई कानून ना हो, इसकी हम एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। व्हेन डिटरमाइनिंग इफ समवन वाज मेंटली अनफिट ड्यूरिंग अ कॉन्ट्रैक्ट, वी कंसिडर इफ थिंग्स लाइक अल्कोहल इफेक्टिव देयर डिसीजन मेकिंग, यानी कि एक बंदा जो है हम देख सकते हैं कि वो कानूनी तौर पर इस कंडीशन में नहीं है कि वो जो है डिसीजन ले सके, जैसे कि एक बंदा है उसने जो है वो अल्कोहल कंज्यूम किया हुआ है और वो इतने नशे में है कि वो उस टाइम पर डिसीजन नहीं कर सकता, तो उसके जो है वो कानूनी तौर पर उसके साथ कॉन्टेक्ट करना ठीक नहीं है। मिसाल के तौर पर इफ समवन साइन अ कॉन्ट्रैक्ट व्हाइल एक्सट्रीमली ड्रंक एंड लेटर रिग्रेट्स इट, दे माइट आर्ग्यू दैट देयर ड्रंकनेस इन्फ्लुएंस देयर डिसीजन, जैसे कि एक बंदा इतने नशे में था कि जब उसने साइन कर दिया कॉन्ट्रैक्ट और बाद में उसको याद आया, उसको पता चला उस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, वो उस चीज़ पर हो गया कि यार ये तो काम मैंने किया ही नहीं, मैं समझ बूझ रखता तो ये काम बिल्कुल नहीं करता, तो उस चीज़ के ऊपर वो केस भी कर सकता है और बता सकता है अदालत को कि मेरी कंडीशन ऐसी थी कि मुझसे ज़बरदस्ती साइन कराया गया, या तो मुझे ड्रंकनेस की हालत में सामने वाले को पता था। ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों बंदे ड्रंक हो, एक बंदा ड्रंक होगा दूसरा बंदा ठीक होगा, जब भी तो कॉन्ट्रैक्ट हो पाएगा, जब भी तो ये सारी चीज़ें होती हैं, तो उस टाइम पे जो है वो बंदा उसके खिलाफ केस कर सकता है कि मुझे ड्रंकनेस का फ़ायदा उठाकर इसने अपने इंटरेस्ट के अंदर जो है वो ये मेरे से साइन करवा लिया। प्री कॉन्सेंट को देख लेते हैं, कॉन्सेंट जो है वो डिफाइन किया गया सेक्शन 13 में, इसका मतलब क्या होता है, टू और मोर पर्सन आर सेट टू बी कॉन्सेंट व्हेन दे एग्री अपॉन द सेम थिंग, यानी कि मैं और आप अगर किसी एक चीज़ पर बिल्कुल सेम हो जाए, यानी कि सेम पेज पर आ जाए, तो यानी कि दोनों टर्म्स एंड कंडीशन हम दोनों मानने के लिए तैयार हो जाए एक चीज़ की, तो उसको जो है वो कंसेंट कहते हैं और प्री कंसेंट कहते हैं। जैसे कि एक मिसाल ले लेते हैं, इमेजिन फ्रेंड डिसाइडिंग टू गो फॉर अ डिनर, कि बहुत सारे दोस्त जो है उन्होंने डिसाइड किया कि वो डिनर पर जाएंगे और वो सारे एग्री हो गए कि हम पिज़्ज़ा खाने के लिए जाएंगे और मेन स्ट्रीट पे जो पिज़्ज़ा की शॉप है वहाँ जाएंगे, तो ये सारी चीज़ें जो है वो कंसेंट कहलाएंगी कि तमाम लोग एक ही चीज़ पर एक ही टर्म्स एंड कंडीशन पर एग्री हो गए। प्री कंसेंट डिफाइंड, कंसेंट को यहाँ पे थोड़ी डिटेल में डिफाइन किया जा रहा है, कंसेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज नॉट कैश बाय, यानी कि एक कंसेंट जो है ये तो हमने सिंपल सी डेफिनेशन समझी, कौन कौन सी चीज़ें आ सकती हैं जो कंसेंट को कहती हैं कि ये कंसेंट जो है वो ठीक नहीं है, उसमें क्या हो सकता है, पहला कोर्सन हो सकता है, कोर्सन एक नया वर्ड है आपके लिए, इसलिए परेशान ना हो, आगे डिटेल में इसकी डेफिनेशन आ रही है वहाँ हम इसकी बात करेंगे। जितने भी पॉइंट हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, जैसे एंड्यू इन्फ्लुएंस है, फ्रॉड है, मिसरिप्रेजेंटेशन है, मिस्टेक है, ये सारी चीज़ें जो है आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मैंने हाईलाइट यूँ किया हुआ है, फिर सबसे पहले बात बता दूं कि हाईलाइट मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो आपके लिए हाईलाइट कर दी हैं, अगर आप इन हाईलाइटेड चीज़ों को पढ़ लेंगे और आप तैयारी कर लेंगे तो आपकी इतनी तैयारी हो जाएगी कि आप इजीली जो है वो पेपर दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहले दिया गया है कोर्सन, ये कोर्सन किस सेक्शन से है, सेक्शन 15 से, इसी तरीके से एंड्यू इन्फ्लुएंस सेक्शन 16 से है, तो ये आपके पास आ सकता है कि सेक्शन 13 के कंसर्न के अंदर कौन सा सेक्शन जो है वो किस चीज़ पर रखता है, जैसे सेक्शन 15 प्री कॉन्सेंट का जो है वो कोर्सन के हवाले से है, सेक्शन 16 जो है वो अंडू इन्फ्लुएंस से है, सेक्शन 17 फ्रॉड के हवाले से, सेक्शन 18 मिसरिप्रेजेंटेशन के हवाले से है, और 20 21 22 जो है वो मिस्टेक के हवाले से, तो ये चीज़ें आप याद रखें, ये एमसीक्यूज में आ सकती हैं। उसके बाद देखते हैं इफेक्ट ऑफ कंसेंट दैट इज नॉट फ्री, उस कंसेंट का क्या इफेक्ट होगा जो फ्री नहीं होगा, अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच देर इज नो कंसेंट एट ऑल शैल बी वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, अदालत जो है वो इसको सिंपली जो है वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी कि वो एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा या उसके बेस पे। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं जो इन्फ्लुएंस नहीं होते, जो उसके पीछे कानून की सरपरस्ती हासिल नहीं होती, अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच कॉन्सेंट इज नॉट फ्री शैल बी वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, जिसका कॉन्सेंट फ्री नहीं होगा वो एक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी कि वो नॉट इन्फ्लुएंस बाय लॉ होता है, कॉन्ट्रैक्ट शैल बी वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी हु कॉन्सेंट इज नॉट फ्री, यानी कि अगर मुझे कोई अंडू इन्फ्लुएंस करके आप मुझ पर कुछ दबाव डाल के मुझसे कोई कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं कभी भी उसे हट बोल सकता हूँ कि ये फ्री कॉन्सेंट है। कोर्जन की बात कर सकते हैं, जैसे कि हमने ऊपर देखा था कोर्जन यहाँ पर आ गया, इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। कोर्जन का मतलब क्या होता है कि आप किसी को धमकी दें या इलीगल एक्शन लें किसी के खिलाफ, किसी के खिलाफ इलीगल एक्शन लें ताकि उसके खिलाफ जो है हम
उससे कांटेक्ट कर सकें, उसको इन्फ्लुएंस कर सकें। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिए, इफ समवन थ्रेटन टू हार्म योर फैमिली, यानी कि अगर कोई बंदा जो है वो आपको धमकी देगा, वो आपकी फैमिली को नुकसान पहुंचाएगा, अगर आपने कॉन्टैक्ट साइन नहीं किया या अपनी प्रॉपर्टी उसके हवाले नहीं की, तो ये कोएर्जन कहलाएगा। अब एक्सटेंशन ऑफ कोएर्जन अंडर द एक्ट, कोएर्जन जो मजीद डिटेल है एक्ट इसके ऊपर क्या कहता है और क्या सारी चीजें वो यहाँ पर डिफाइन हो रही है। दिस लॉ इज ब्रॉडर देन इंग्लिश लॉ। इन इंग्लैंड द आइडिया ऑफ ड्रेस फोर्सिंग समवन टू डू समथिंग अगेंस्ट देयर विल हैज बिकम लेस इंपॉर्टेंट बिकॉज पर्सन जनरली बिहेव बेटर नाउ एंड देर आर अदर लीगल वेज टू डील सच इशूज। यानी कि जो हमारे यहाँ जो ज्यादा कानून फॉलो किए जा रहे हैं, ये हमने जो है वो इंग्लिश लॉ से हमने अडोप्ट किए हैं सारे कानून जो है। अब उसमें ये बताया जा रहा है कि ये कानून जो है आजकल वहाँ पर इतना इम्प्लीमेंट नहीं है, इसकी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि लोग जो है वो बहुत ज्यादा अकलमंद हो गए हैं। और अगर आप किसी पर दबाव डालें, वो खुद इस चीज़ को समझ सकता है। आप किसी पे दबाव डाल के, किसी को धमकी दे के कुछ काम नहीं करा सकते। आज कानून जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग है बाहर की कंट्रीज में, कि वहाँ पर जो है वो कानून सबके लिए बराबर है, कोई किसी को धमकी नहीं दे सकता। उसको पता होता है कि मैं अगर इसके साथ ऐसा कर लूँगा तो जब मैं पकड़ा जाऊँगा मेरे खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। एक्ट फॉरबिडन बाय पेनल कोड। पेनल कोड के रिलेटेड जो है वो कौन कौन से एक्ट हैं जो कि फॉरबिडन है, यानी कि मना है, वो यहाँ पर हम देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखें, ये लोग ये कहता है कि इफ समवन क्लेम देवर फोर्स इनटू एन एग्रीमेंट, अगर कोई ये क्लेम करता है कि उसको जबरदस्ती किसी एग्रीमेंट में लिया गया है, तो कोर्ट जो है वो इन सारी चीजों को चेक करता है और इसको पीनल कोड के तहत वो कहता है कि ये कानून की खिलाफ वर्जी है। एग्जाम्पल यहाँ पे दी गई है, अगर दो बंदे एग्री हो जाते हैं एक डिस्प्यूट के ऊपर और वो बोलते हैं कि हाँ भाई हम इसमें आर्बिट्रेशन ले लेंगे क्योंकि वो जेल जाना चाहते हैं, यानी कि आपस में बाहर बातचीत करके इस मामले को खत्म कर देंगे, तो ये एग्रीमेंट जो है वो खत्म, इसको कैंसन के जरिए जो है वो खत्म कर सकते हैं। इट्स ओनली इनवैलिड इफ प्रूवन दैट द पर्सन मेकिंग द क्लेम और समवन ऑन हिज बिहाफ यूज द फियर ऑफ गोइंग टू द जेल फोर्स अदर पर्सन इनटू द एग्रीइंग। अब यहाँ पे ये भी हो सकता है कि एक बंदा दूसरे बंदे को जो है ये कह के डरा रहा हो कि देखो तुम इस बात से जो है वो पीछे हट जाओ, और तुम इस बात से पीछे नहीं हटोगे तो तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। हालांकि वो गलती पे ना हो, लेकिन वो इस बात से डर जाए कि यार हो सकता है अगर मैं हार गया तो मैं जेल में जाऊंगा, तो ये चीज भी कोर्जन कहलाएगी। देयर इज अ केस वेयर अ कोर्ट डिडंट इन्फोर्स अ प्रॉमिस मेड बाय समवन इन जेल ड्यू टू रॉन्गफुल जजमेंट। द कोर्ट माइट हैव थॉट दैट द प्रेशर पुट ऑन द पर्सन अमाउंटेड टू अ क्राइम अंडर द लॉ इवन थो इट डिडंट एक्सप्रेस इन डिटेल। अब ये कोर्ट यहाँ पर देखेगा, अगर कोई बंदा ऐसे क्लेम लेकर आता है कि मैं इस बात से डर गया था या मुझे इस बात ने इन्फ्लुएंस किया है कि भाई ये बंदा बोल रहा था अगर आप नहीं करेंगे तो आपको जेल जाना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है कि कोर्ट उसकी बात मानते हुए उसको जेल नहीं भेजेगा, बल्कि कोर्ट पूरी इन्वेस्टिगेशन करेगा। और अगर वो बंदा जो जेल ये क्लेम कर रहा है कि मैं जेल की वजह से, डर की वजह से कोर्जन मेरे ऊपर इसने किया है, दबाव डाला है, अदालत फिर भी इसको देखेगी, हो सकता है वो बंदा झूठ बोल रहा हो, तो अदालत सारे प्रूफ वगैरह देखने के बाद, सारी एलिगेशन को देखने के बाद, उसके बाद पूरी केस की सारी दलीलें सुनने के बाद फैसला करेगी। इफेक्ट ऑफ कोएर्जन, कोएर्जन के इफेक्ट क्या हो सकते हैं? इफेक्ट ऑफ कोएर्जन इज दैट इट मेक द कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी हुज कंसेंट इज ऑब्टेन्ड बाय द कोएर्सर। यानी कि इफेक्ट कोएर्जन का इफेक्ट ये हो सकता है कि आपने मुझसे दबाव से कोई काम करवा लिया, उस टाइम मैंने काम कर लिया, सारी चीजें कर ली, लेकिन हमेशा आप 24 घंटे तो मेरे साथ नहीं रह सकते ना, कभी ना कभी मैं भी पावर में आऊंगा, तो मैं जब आपके ऊपर केस करूंगा तो दोनों में से हम दोनों पार्टी थे, आपका तो फायदा हो गया, मेरा नुकसान हुआ और मैंने जाके केस कर दिया, तो जो कॉन्ट्रैक्ट हमारे दरमियान होगा वो वाइडेबल हो जाएगा जब तक कि अदालत का फैसला नहीं आता। और अदालत का फैसला अगर मेरे फेवर में आ गया कि आपने मुझे दबाव किया, तो वो सारी चीज़ें जो है वो रिवर्स हो जाएगी। तो गाइज ये था आज का लेक्चर, मैं उम्मीद करता हूँ आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। ये हाईलाइटेड डाउट्स लेने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल आईडी मौजूद है, वीजू एक्सपर्ट टीचिंग का ऑफिशियल व्हाट्सएप और फेसबुक लिंक का भी मौजूद है, जिस तरीके से आपको सूटेबल हो हमसे कॉन्टैक्ट करें और ये नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। काइंडली वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके बता दीजिएगा आपको लेक्चर अच्छे लग रहे हैं या नहीं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलती है अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह।